रब्बी शहली सदरी वसिल्ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरी जो खुशी की वजह है वो आप लोग हैं। सिर्फ आप लोगों की वजह से हम इतने खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है ये भी कि आप लोग हमें मिले। और हम क्यों खुश हैं वो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक हदीस कुदसी सुनाना चाहते हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तो होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तुमने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुम्हें अता कर दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तुमने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुम्हें थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो इस हदीस कुदसी का मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करेंगे, अल्लाह की हुक्मों को मानेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो सब दे देगा जो हम लोग चाहते हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी, दोनों जहान की कामयाबी। तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ देने पे कादिर है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, अल्लाह के हुक्मों को माने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अमल करें, और अल्लाह ताला फिर हमें दोनों जहान में कामयाब ऐसे करेगा जैसे कि हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। और अगर हम अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमें कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब ये कि अल्लाह ताला हमें दुनिया तो देगा ही नहीं और आखिरत तो बिल्कुल ही नहीं देगा। तो इसलिए हमें क्या कोशिश करनी है कि हम अपने मालिक के हकीकी खालिक कायनात की बात माने, अल्लाह ताला के हुक्मों पे अमल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें। और आज हम बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि आज हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो वो ये देखिए, तो वो ये है सिल्वर प्ले बटन, जो कि काफ़ी पहले से आया हुआ था और हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैर। और YouTube का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि YouTube ने हमें इस लायक समझा। और हकीकत तो ये है कि कभी हमने ख्यालों में भी ये सब नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ मिलेगा या ऐसा कुछ करना है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को चुन लेता है किसी भी काम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, और आप लोगों को मेरी मदद करने के लिए चुना, और आप लोगों की वजह से आज ये सब हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हम आसानी से पहुँच सकें। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि हम दुनिया के हर कोने में पहुँचें, हर एक के घर में पहुँचें, अल्लाह के हुक्म को लेके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेके। तो इसमें हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे लिए इसी तरह से कोशिश करते रहें, मेरी वीडियोज़ देखते रहें और लोगों तक पहुँचाते रहें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे लोगों से दीन के काम लें, अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको और इस चैनल को खैर का ज़रिया बनाए, आमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।